क्वार्टर में क्वार्टर में हालतन तो लेटिंग करी सो कपड़ पर पहने फिर दौड़ आए तो आए तो देखो ताले हम मजमला लगे हां हां भाई वो का के साले तब अंदर जाग दे सब पुलिस सुने सब पूरा सब दिन बम और गांव आज बहुत भयंकर मैं उसमें 5:30 बजे बाहर रख गए हूं हां हां वहां से आ रहे हूं बड़े मन हां भगत जी से भी जो बेटी मन हां तो कैसे होगे कि हम मूवी रहने के हम घर नहीं आहूं हां तो दाई बुदाई के बड़े हां

बन चुका है पूरे मंदिर में पूजा पाठ हर गाँव देहात हर कस्बे में पूजा पाठ चल रही है लेकिन हम ऐसे जगह में आए हुए हैं जहां पे एक निहंस हत्या हुई है दो लोगों की हम जिस घटना स्थल पर मौजूद है वो दुर्ग से थोड़ी दूर में गनियारी गांव है पुलगांव थाना क्षेत्र आता है हम उसी घटना को कवरेज करने के लिए आए हुए थे जहाँ पे दो लोगों की निहंस हुई थी हत्या हुई थी एक उन अठारह साल की लड़की है एक उसकी दादी आ, कल रात को तीन बजे उनकी न्यास्त हत्या कर दी गई है उसी घटना को हम कवरेज करने के लिए आए हुए थे उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है लेकिन अभी तक कोई उसके बारे में कुछ भी ऐसे कुछ क्लू नहीं मिल पाई है कि हत्या कैसे हुई है हम घटना स्थल पर आपको ले जाने की कोशिश करेंगे और ये घटना रात की घटना थी जैसे ही घर वाले को सुबह के समय में जब लोग अपने यहाँ पर जैसे गांव में बताया जाता है कि जो भी गाय वाय भैंस रखते हैं उसकी देखभाल करना जाता है सुबह सुबह उठ के उनका साफ़ सफाई किया जाता है तो उसी दमियान जब घर वाले जब सुबह पाँच बजे जब यहाँ पे आए उसके बाद उन्होंने देखा कि पास में उनकी जो दादी थी उनकी निहत हत्या कर दी गई थी और ये भी जानकारी मिली है कि कुदारी के द्वारा उन्हें मार कर या एक स्थल पर सब तो बंद करो जैसे ही सुबह उनके घर के वाले लोग उनके जो जो भी घर के घर में यहाँ पे आए हुए थे जस्ट सामने में गाय लोग रखते हैं तो पैदा वैदा चारा देने के लिए जब आए उन्होंने रखे गए प्रशासनिक अधिकारी से हम लोग बातचीत कर चुके हैं प्रशासनिक अधिकारी ने यह भी कहा है कि बहुत जल्द जो हत्या किया गया है उनका खुलासा किया जाएगा बहुत से ऐसे क्लू मिल चुके हैं और जो भी घटना के बारे में है कैसे जानकारी मिली क्या है उनके घर वालों से हम लोग बातचीत करेंगे और मीडिया के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो तो घटना स्थल में जिस लड़की की हत्या हुई थी उसकी दादी की तो उसकी लड़की के माँ के पास हम लोग आए हुए हैं कैसे घटना हुआ और क्या जांच पड़ताल चल रही है उनको क्या किसी के ऊपर शक है कैसे घटना के बारे में जानकारी मिली इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो आंटी जी ये जो घटना हुई से आज तो जात हुआ इतने बड़े दिन हरे लेकिन आज पूरा इतना दुख पीड़ा वाले माहौल बने हुए हैं हम वही चीज कवरेज कर बना रहे हैं आप मन के नाम जानना रही कहाँ नाम है आपके यीशु तो ये घटना के बारे में कैसे जानकारी हुई तो हम कैसे चलिए मैं साढ़े पाँच बजे बाहर गए रही हूँ हमारे हम बड़े मन हाँ से बेजोर बेटी मन हा तो कैसे हो गए कि मंगवी रहा हम घर नहीं नि तो दाई कि बड़े गोहार पड़ी से तब जानकारी हो तह दाई देखे मोर बेटी कि यहाँ सुतरी मोर बेटी कहाँ कि बड़ खोज मोर बेटी खोज नहीं मिली तरह आके कुरियल फेर देखें कपाल उधेरी तरह खोल के देखे बेटी पड़े रही गुड़िया हमेशा वहीं दादी अपन दादी संग्री से चार पाँच साल हो गए हा। हाँ हा। तो तुम कुछ आ, कुछ लगा जानकारी कुछ में? अब वो तक मतलब मालूम नहीं है खा पी अच्छा, के बेटी के बजे नौ बजे नौ बजे और यहाँ भैया मन पांच बजे करीब वाले देखे बिग का पाँच बजे गेरी से गढ़वा निकाले हुआ तब देखी से अच्छा मतलब ये है जब जैसे बताते हैं गांव में हमेशा हर घर में गाय ऐसे रर, र, 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 रखे जाते हैं फिर सुबह सुबह साफ सफाई के लिए जैसे जाते हैं उन लोग की दो घर है एक वहाँ पे घर है और यहाँ घर है और जो लड़की थी हमने दादी के साथ हमेशा चार पाँच साल से उनके साथ में ही सोती थी और जो यहाँ के जो भैया है वो लोग सुबह सुबह पाँच बजे गाय को देखने के लिए जब गए तब घटना के बारे में उनकी जानकारी हुई और जो उनके जो लड़के हैं जो पहली घटना में जो देखे उनसे मैं वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे कौन को है भैया आओ ना भैया एक कल यहीं में आ जाओ भैया बस एक कंक्लू लेवर है ना वो ज़रूरी है मोला लेवर हाँ यहीं में आ जाओ भैया आपके नाम जानना चाहूँ राम साहब तो किसी टाइम से भैया आप मन वहाँ पहुंचे हो क्या बजे हो पाँच बजे हैं सर तो अकेला गया हो कि अकेला गया मैं हाँ, हाँ। अकेला मतलब डेली जाता हूँ मैं जी जी और बाद में गया तो मैं सीधा

तो ब्लड है बाहर से बल्ड है बाहर से मतलब इसे कुढ़ी से और पानी जैसे बहतरी से अच्छा तो अम्मा को जो बोला देखे नहीं करे मैं उतना समय देखे नहीं करे में यहाँ तो ब्लड देखे ना सीधा घर आगे घर आ मोर यहाँ बड़े भाई उठा बड़े भाई चलते में कुछ कांट हो डाउट लगा बड़े भाई सीधा दरवाजा खोले सीधा भगत गीस पूरा पूरा परिवार उठा सब ये मन हम पछवाच हाँ रहे अच्छा। ये मन रे बड़े, बड़े हा, हाँ हाँ? भाई हाँ हाँ? परिवार मन बोलते माया भी सो है माया हाँ बात माया जितना खोजे है पैर डाल से खोज का फिर बोलते माया कोई धान दे

सत्रह साल के अभी काब कौन से क्लास में हो हैं ग्यारवी ग्यारवी क्लास में हाँ उनका नाम क्या रीज़ में उनका नाम है जी सविता अब आपके वो जो दादी खदान में थे क्या राजबती तो आप मान लीजिए को कोई बस संख्याओं का ऐसे कोई शंका नहीं

बता हमें बाकी नहीं जाना में तो इस प्रकार जो घटना के बारे में जो जानकारी मिली है और बाकी जो घटना कवरेज कर चुके हैं पुलिस प्रशासन से भी अपन बातचीत कर चुके हैं और पुलिस प्रशासन ने ये भी कहा है कि घटना के बारे में क्लू मिल चुका है और बहुत से जल्द बहुत जल्द ही घटना के बारे में खुलासा किया जाएगा जो दादी की जो हत्या हुई थी उनके हस्बैंड हैं उनसे भी वो बातचीत करेंगे

जब कल सुबह ना हाँ। जब आप हर शुक्रवार को मैं आता हूँ शाम को शनिवार हाँ। छुट्टी रहता है जी जी। तो हम आज छुट्टी है बृहस्पत के हाँ। तो हम बुधवार को आ जाते हैं हाँ। शाम को आता हूँ हाँ। मैं हाँ। तो सुबह लड़ा में पाँच जैसे वो वो साथी जो है ना हाँ। उठे और चाय बनाया वो वो, वो, वो उसके बाद में दस पंद्रह मिनट के बाद मैं उठता हूँ हाँ। तो वो उसी बीच में फोन आ गया तो बोलते अरे अर्जुन फोन आते थोड़े उठाए फोन लगा नाती जो है ना यहाँ ले हाँ। ते फोन करे कि बाबू उठ गए का हाँ। उठा तो अरे जल्दी आ दादी तबीयत खराब है अच्छा अरे बड़ा वैसे तबियत बहुत दिन के खराब भी चला थे चलाते चल भी नहीं पाते हेखो के तो अरे कहूँ कर ले, बड़ा, तो मैं जल्दी आ, जल्दी आ करते तो मोर बड़े लड़कल फोन करे तो कैसे का बात है कैसे जब तबियत खराब हैल्दी आगे अभी क्वार्टर में था। तो जल्दी आश तब तो 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 वो शांति कहते तो चल ऐसे कर तो बस स्टैंड तक थोड़ू बस में निकल जब जल्दी आ उसे लड़कल फोट छूट फटे अगर काम ड्यूटी कर अकेला में कैसे कहा बात है निर्मल समझ जाए कैसे इतनी जल्दी तुम तो बाबूजीला बाबू जी जल्दी आओ जल्दी आओ तब वो है ये है बताइए कि नहीं ऐसे ऐसे घटना हो गए तब तो वो कहते चल यार भाई के मो जाऊँ हाँ हा। भाई के चल तब तू आन क्वार्टर में

नमस्कार हाँ। लड़की लग, है जो ना तो तो जारी थी हाँ हा। तो वो में के हैं बेटी है, तो के सेवा करे करते करम वाला लड़का वाला और खा पी लेते ना तो लड़का कभी लड़का छोड़े जल थे नाती है कभी माँ छोड़ थे अब वो दिन लड़का है छोरेलगिरी से नाती है नाती है आओ आ गया अपन आ गई है सुत के मना आओ आओ वो कर बाजे घटना है रात में अब का पता नहीं ठीक बाबा सर कल की घटना के बारे में जो नहीं है सत्य हूं इसके बारे में क्या भी जांच पड़ताल चल रही है अभी जो पुलिस है वो अलग अलग चार प्रकार की टीमें लगा के रखी हुए हैं जो अलग अलग जो जो चीज तथ्य हैं उस उसपे हम काम कर रहे हैं और फैक्ट फाइंडिंग की काम चल रही है अभी जैसे ही कुछ नया चीजें निकलती है उसके बारे में फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी क्योंकि मौके से कुछ तो समझ में आ रही होगी प्रेम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होने से डिसक्लोज नहीं किया जाता है जिससे हो सकता है कि जो आरोपी उसको फायदा हो जाए इसलिए बहुत सारी चीजें बताया नहीं जा सकेगा बहुत जल्दी बहुत जल्दी ही हम लोग ये सब बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे कुछ क्लू ऐसा जो जैसे मिली होगी जिसे आसानी मिले हमारे मिली पास कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है अब उस उसको फिल्टर करने का काम चल रहा है वो सब हो जाएगा तो फिर आपको बताया जाएगा अभी प्रशासनिक अधिकारी से ऐसे कुछ जानकारी हमें ये भी मिली है कि घटना के समय अपराधी जो भी थे निहत हत्या किए हैं वो एक से दो भी हो सकते हैं कुछ हम लोग कवरेज करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द इसके बारे में खुलासा किया जा सकता है ये बात प्रशासन जो प्रशासनिक अधिकारी अब मौजूद हैं वो बता रहे हैं नमस्कार